गुड मॉर्निंग प्रगति, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वी विल वेट जस्ट फॉर 2 मिनट्स एंड देन आई विल स्टार्ट। टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज बायो मॉलिक्यूल। सो विल एंजॉय दिस चैप्टर। इट्स वेरी सिंपल बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डन सच अ बिग बिग चैप्टर्स। तो अभी ये सब चैप्टर्स आपको लगेगा अरे कितना छोटा सा है, कितना ईजी है। टेन थर्टी थ्री को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? लेट एवरीबडी ज्वाइन। ओके, वी विल स्टार्ट नाउ बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ वी नीड इन आवर बॉडी डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। ठीक है, तो व्हाट आर बायो मॉलिक्यूल्स? दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। बायो मॉलिक्यूल्स आर नॉन लिविंग बट दे आर एसेंशियल फॉर द रेगुलर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी। सो दे आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स। दे विल मेक अ प्रॉपर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडी that is called as biomolecules. For example, we are having carbohydrates. Some of them are generated in our body, they are synthesized in our body, and some of the biomolecules you have to take from the external sources because you cannot synthesize them inside your body. For example, carbohydrates you have to take from the external sources. Hamare body mein wo produce nahi hota hai, but it is produced in the plants through the photosynthesis. Theek hai? Then we have proteins. There are some proteins which are synthesized in our body. There are some proteins which you have to take from the external sources. ठीक है, जो proteins हमारे body में produce होता है, they are called as non-essential. और जो हम लोग बाहर से लेते हैं, they are called as essential. ठीक है, that is the second part. Third is we are having over here nucleic acid. Now what is nucleic acid? DNA, RNA, ये सब important है ना हमारे life में, because everywhere people that cancer cell are depleting, ठीक है, depletion of all that takes place, so that all comes under nucleic acid, DNA, RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So this is also important. आपके syllabus में actually यही है, इतना ही है. Last year क्या क्या था पता है? Vitamins भी था. Then they were having lipids. Vitamins तो आपको पता है, vitamin A, D, E, K, which is very important. They are not synthesized in our body. We have to take it from the external sources into our diet, ठीक है? लिपिड्स में आ जाता है सारे फैट्स, ऑयल्स, सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, फिर सब कुछ इसमें लिपिड्स में आ गया. ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास? हॉर्मोन्स थे. हॉर्मोन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वी ऑल नो दैट आर बॉडी चेंजेस. प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर आर ड्यू टू द हॉर्मोन्स. ठीक है, देन दे वर ऑल्सो हैविंग एंजाइम्स. एंजाइम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ बिकॉज देर आर सम एंजाइम्स विच आर doing the reaction faster, so they are called as biological catalyst. Activity arouser are called as enzymes. ठीक है, अभी ये एक दो तीन चार आपके सिलेबस में से निकाल दिया. They are not there in the syllabus, but they comes under the category of biomolecules. ठीक है, तो आपको पढ़ना किसके बारे में है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. इसमें से भी मैक्सिमम पार्ट आपको पता ही होगा. ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट हम लोग को कहाँ से मिलता है स्पेशली वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज यू कैन गेट द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ऑल द सीरियल्स चावल में होता है गेहूं में होता है जो मीठी चीजें होती है दैट ऑल कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है नाउ हियर यू विल स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स तो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन समझा दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स विच आर एसेंशियल बाय आर बॉडी फॉर अ प्रॉपर और रेगुलर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी ठीक है सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन आर बॉडी सम ऑफ देम वी हैव टू टेक फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज अभी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आप बाहर से लोगे प्रोटीन्स जो है कुछ बाहर से लोगे कुछ आपके बॉडी में होता है न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए आरएनए बाहर से खरीद के तो नहीं खा सकते राइट सो इट इज देयर इनसाइड आवर बॉडी इटसेल्फ ठीक है सो दीज आर ऑल्सो बायोमोलिक्यूल बट इट इज नॉट देयर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कार्बोहाइड्रेट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है नाउ कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स पहला डेफिनेशन है इसका दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विच आर कंटेनिंग पॉली मीन्स मेनी ओ एच ग्रुप्स और द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस और द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल दैट इज ग्लूकोज What is the structure of glucose? ऐसे चार लाइन बनाना है या सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ठीक है तो ये वो है तो यहाँ पे आ जाएगा सी एच ओ हियर इट विल बी सी एच टू ओ एच ये स्ट्रक्चर आपको बाद में याद करना है ओ एच ओ एच एच ओ एच ओ एच फिर एच एच OH, H, सीक्वेंस याद करो ऊपर क्या है CHO, यहाँ पे क्या है OH, H, OH, OH, here everywhere you are having carbon. So what is the formula? C6H12O6, these are called as polyhydroxy. Can you see hydroxy group? More than two. So they are called as polyhydroxy aldehydes. Or if I am going to draw the structure of fructose, fructose का structure कैसा है ये देखो ऊपर सेम रहेगा CH2OH खाली एक वाला चेंज हो जाता है ओ एच की जगह क्या हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ अगेन एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच टू ओ एच ठीक है दिस इज ऑल्सो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दिस इज योर फ्रक्टोज सो दिस इज ऑल्सो दिस इज योर कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ खाली किया हम लोगों ने तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और क्या बोला था डेफिनेशन में The compounds which on hydrolysis gives you polyhydroxyaldehydes or ketones. जो sucrose है, sucrose on hydrolysis. Sucrose मतलब C12, H22O11 on hydrolysis gives you glucose plus fructose. हो गया ना definition carbohydrates का. तो carbohydrates are what? These are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or the compounds which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. are called as carbohydrates ठीक है basic carbohydrates which we are using in our day to day life is sucrose it is your table sugar ठीक है then also we are having sugar beet all these are present in the milk में कौन सा carbohydrate present होता है it is containing lactose correct now basically this carbohydrate was considered initially as कि compounds which are containing carbon and hydrates मतलब water So we are having X molecules of carbon and Y molecules of water. तो ये पहले definition बताया गया था carbohydrate का क्या कहा गया था कि we are having carbon and carbon के आसपास बहुत सारे hydroxy group होते हैं water होता है surround करता है so they are called as carbohydrate. लेकिन जब alcohol का structure बताया गया alcohol का structure क्या है suppose C2H5OH तो इसमें भी तो OH आ सकता है ना इसलिए carbohydrate का वो definition cancel करके क्या बता दिया It is a compound which is having polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. ठीक है? Now these sugars, basically, if we talk about carbohydrates, main part is sugar. तो sugar को Greek में कहा जाता है saccharon. ठीक है? Saccharon. इसलिए हम लोग बोलते हैं saccharides. Saccharides मतलब sugar. ठीक है? Saccharides मतलब sugar.
सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, बिकॉज सैकराइड्स का मतलब क्या है, इट इज अ ग्रीक वर्ड विच इज सैक्रॉन. सैक्रॉन का मतलब होता है शुगर. ठीक है, दैट इज वाई वी हैव टू फोकस ऑन दिस. इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया सबको. वॉट आर बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर द रेगुलर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी. सम ऑफ देम आर जनरेटेड इन आर बॉडी, सम ऑफ देम वी हैव टू टेक फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज थ्रू आर डाइट. एग्जाम्पल्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, लिपिड्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एवरीथिंग. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील ओनली विद द कार्बोहाइड्रेट. So carbohydrates are defined as, these are the compounds which are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones, or the compounds which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. ठीक है, we have seen the structure of glucose and fructose. ये हो गया sucrose वाला. Then carbohydrates are also termed as saccharides. Saccharide is a Greek word which means saccharon. Saccharon का मतलब होता है sugar. ठीक है, this much part is very very clear. Any questions so far? Hello, please reply. No ma'am, everything clear. Okay, ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे. ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है. जहां पे लगेगा ना मैं तभी बोलूंगी लिखने के लिए, अभी ये खाली इंट्रोडक्शन था. ठीक है, now we will do here a classification of carbohydrates. ये लिखोगे तो चलेगा बाद में, I will give you time. बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कुछ है नहीं उसमें. पूरा सिलेबस ना तुम लोग का कट शॉर्ट कर दिया है. लास्ट ईयर ये चैप्टर इतना बड़ा था ना, सब था उसमें, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स, सब सब था. अभी सब निकाल दिया. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स. पता है बायोलॉजी वालों को, शायद थोड़ा बहुत पता होगा. पता है कि नहीं पता है ये? यस और नो? मोनोसैकेराइड्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स. पता है ना? ओके, ओलिगोसैकेराइड्स तुम लोग ही हम लोग को सिखा हुआ. मैं किधर गलत हो गई तो, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन बायोलॉजी. मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? मोनो मीन्स वन. So these compounds do not further hydro. It is the simplest unit. Okay? It is the simplest unit which cannot be further hydrolyzed. मतलब इसमें आप कितना भी पानी डालो, वो एकदम final thing है जो कभी वापस से और टूट नहीं सकती है. ठीक है? It is the simplest and the smallest. चाहे तो simplest and smallest unit of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed. These are called as monosaccharides. Example is ka glucose, then fructose. These are the compounds jiske upar pani dalne ke baad wo aur break nahi hoga. Theek hai? And monosaccharides will give you single unit of sugar, single unit of carbohydrates. Theek hai? Now what are oligosaccharides? They will give you 2 to 10 units of monosaccharides on hydrolysis. ठीक है, पानी डालने के बाद ये अपने को 2 से 10 यूनिट तक देगा. सो दे हैव बीन क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, और क्या दिया हुआ है, लेट मी चेक. हाँ, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स. सो दे हैव गिवन ओवर हियर डाई saccharides, second one is called as trisaccharides, and the last one is called as tetrasaccharides. Di means 2. So this on hydrolysis, on hydrolysis gives 2 units of monosaccharides. Okay? For example, they have given over here sucrose. ठीक है, sucrose on hydrolysis gives you glucose plus fructose. उसके बाद दिया हुआ है maltose. Maltose on hydrolysis gives you glucose plus glucose. Then we are having lactose. Lactose on hydrolysis gives you glucose plus galactose.
समझा? तो पानी डालने के बाद दो यूनिट मिला, सो दे आर कॉल्ड एज डाइसैकेराइड्स. व्हाट विल बी द ट्राइसैकेराइड्स देन? इट विल गिव यू थ्री यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज रेफिनोज. रेफिनोज क्या करेगा, नीचे लिखती हुआ मैं, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ग्लूकोज प्लस फ्लक्टोज प्लस गैलेक्टोज. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज. समझा? सो इट विल गिव यू थ्री यूनिट्स. एग्जाम में आता है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस फ्लक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. यू शुड नो रेफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज. तीन यूनिट्स आ गए. देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग टेट्रासैकेराइड्स, सो इट विल गिव यू फोर यूनिट्स. इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखती हूँ. एग्जाम्पल इज स्टैच्यूज. ठीक है, स्टैच्यूज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज. समझा? तो ऐसे कितने यूनिट देगा अपने को? चार यूनिट देगा. तो ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड. ऑलिगोसैकेराइड एक और है विच इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड. जो जगह नहीं था इसे मैं नीचे लिखती हूँ. पॉलीसैकेराइड मीन्स मैनी. दे आर लाइक पॉलीमर्स. ठीक है, दे विल गिव यू लार्ज यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. लार्ज यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च. स्टार्च बना होता है एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ग्लूकोज से. देन वी आर हैविंग ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज ऑल्सो मोनो पॉलीसैकेराइड्स. देन वी आर हैविंग सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट. ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल्स. यू कैनॉट डाइजेस्ट दैट. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. मीन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू लार्ज नंबर ऑफ योर मोनोसैकेराइड्स. समझा? अगेन वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स. देन आफ्टर दैट एक मिनट है, चलो रुको. ठीक है, दे हैव बीन क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स दीज आर द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. करेक्ट. एग्जांपल इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ऑलिगोसैकेराइड गिव्स यू 2 टू 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. दे हैव बीन क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स. डाई मीन्स 2. तो ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू 2 यूनिट्स. एग्जांपल इज सुक्रोज. सुक्रोज विल गिव यू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. देन ट्राइसैकेराइड्स 3 यूनिट्स देगा. रेफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज. टेट्रासैकेराइड्स स्टैच्यूज. ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज. देन पॉलीसैकेराइड्स इट गिव्स यू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एक्सेट्रा. इतना क्लियर हो गया क्या बच्चों? हेलो. हाँ पक्का समझ आ गया. मिस वो पॉलीसैकेराइड्स थर्ड में आएगा क्या? हाँ थर्ड में आएगा. एक्चुअली इधर एक और आएगा. मतलब कैसे बनाना था, ये जो चार्ट है ना ऐसे बनाओ, तीन इसका बनाओ आड़वा करके. इधर मोनो लिखो, इधर ओलिगो लिखो, इधर पॉली लिखो. बट ओलिगो के और तीन टाइप्स थे. समझा? डाई, ट्राई, टेट्रा. समझा अभी? यस मिस. हाँ लिखना है ये. डू यू वांट टू कॉपी डाउन दिस? या फिर इसको ऐसे ऐसे करके ये नीचे लिखा पॉलीसैकेराइड तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. लिखना है क्या? जल्दी बोलो, लिखना है कि नहीं लिखना है? फास्ट लिखो. हाँ ठीक है लिखो फिर फटाफट. चलो दिख रहा है क्या अच्छे से? क्लासिफिकेशन तुम लोग ना ऐसा रखो, बुक आड़वा रखो, ऐसा हॉरिजॉन्टल लग के लिखो तो आ जाएगा. और कुछ भी नहीं समझा होगा तो पूछो. हाँ ये डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, ये ट्राइसैकेराइड का, टेट्रासैकेराइड का इधर है.
Once you're done, please let me know. तो मैं आगे पढ़ाती हूँ. शाम को भी अपना लेक्चर है. हाँ थोड़ा जल्दी आ सकते हो क्या बच्चों आज के दिन? हाँ. 7 बजे ले लूँ क्या? 7 से 8 रिवीजन लेक्चर अपना आयने के इक्विलिब्रिया का रिवीजन लेक्चर है. 7 to 8 ले लूँ? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चलेगा मैम. चलेगा ना? वो अभी कैसे आज मेरा शाम का एक लेक्चर नहीं है तो मैं उसकी जगह पर तुम लोगों का ले लेती हूँ 7 to 8. क्या बोलते हो? सब लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे नहीं तो 8:30 से 9:30 पूरा रुकना पड़ेगा. हाँ मिस, चलेगा. ठीक है. हाँ मैं बीरेन सर को भी मैसेज कर देती हूँ लेक्चर के बाद कि सर आज का लेक्चर 7 to 8 रख दो. आयनिक इक्विलिब्रिया का है अपना, याद रखना. अपना वो रिवीजन हुआ ही नहीं है. कितना सारा हो गया ना अपना केमिस्ट्री? अभी थोड़ा सा ही बचा है. दो महीने में हम लोगों ने पूरा सिलेबस ही खत्म कर डाला रोज रोज लेक्चर लेके. ये सब इम्पोर्टेंट है बच्चों. दे आस्क यू ऑल दीज इन द एग्जाम्स. आता है ये 4-4 मार्क्स के लिए आता है. स्टैचूज एंड आइडोलिसिस गिव्स यू, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना. डन बच्चों, लिख लो अच्छे से, कोई बात नहीं. ओके ओके. ओके डन. नो नो मैम. नो मैम. ओके ओके ओके. जूम का थोड़ा चेंजेस हो गया देखो. अभी डायरेक्ट मैसेज आता है. अभी वो प्राइवेटली नहीं लिखता है, डायरेक्ट मैसेज लिख रहा है अभी. मैम लार्ज यूनिट्स मतलब कौन से ज्यादा यूनिट्स होगा?
लार्ज यूनिट मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स. एक सेकेंड ना बच्चों. श्रुति प्लीज मेक मी होस्ट. हाँ तो मैं ये बता रही थी लार्ज यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मींस एन नंबर ऑफ टाइम्स. स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मतलब C6H12O6 एन नंबर ऑफ टाइम्स इफ यू आर गोइंग टू गेट यू विल गेट योर स्टार्च दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. समझा? हेलो. हाँ श्रुति, श्रुति आर यू देयर? श्रुति, श्रुति पेंडर है. हाँ मुझे होस्ट बनाओ. आप होस्ट हो गए. वो बीच में लेफ्ट हो गया ना तो आप होस्ट हो गए. उधर पे क्लिक करो थ्री डॉट्स पे एंड वहां पे आएगा शबाना शेख. वहां पे मुझे होस्ट करो जरा प्लीज. चलो हो गया क्या बच्चों सबका? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. एनी क्वेश्चन सो फार? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. Should I proceed now, everybody? Yes. Okay. चलो. Now next we will see nomenclature of monosaccharides. बहुत easy है, एकदम easy है. एक second ना, मैं page turn कर देती हूँ. Next is nomenclature of monosaccharides. It's very simple. If it is having aldehydic group, ठीक है मतलब dash CHO, they are called as aldoses. And if they are having ketonic group, मतलब dash C double bond O, they are called as ketoses. ठीक है, aldoses and ketoses. अभी suppose मैंने यहाँ पे लिखा अच्छा चलो ठीक है, एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज एंड एल्डो हेक्सोज. मतलब क्या है? अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप it is aldehydic group with 3 carbon, aldehydic group with 4 carbon, aldehydic group with 5 carbon, aldehydic group with 6 carbon. samjha? to mujhe batao glucose kis mein aayega in tino mein se? glucose abhi maine structure draw kiya tha 1 2 3 4 5 6 to CHO, fir ye CH2OH, OH H OH OH. batao kis mein aayega? aldo mein aayega, wo barabar hai. kaun sa? एल्डो हेक्सोज है. इसको भी काउंट कर, यस 1 2 3 4 5 6 समझा? फंक्शनल ग्रुप को भी काउंट करने का. तो एल्डो ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, एल्डो टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, एल्डो पेंटोज मतलब 5 कार्बन, एल्डो हेक्सोज मतलब 6 कार्बन. ठीक है ओके. देन कीटोज का क्या हो जाएगा? कीटो ट्रायोज, देन कीटो टेट्रोज, देन कीटो पेंटोज एंड देन कीटो हेक्सोज. मतलब कीटोनिक ग्रुप अलोंग विद दी दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप. ठीक है ये हो गया मोनोसैकेराइड्स. एक सेकेंड ना, और मुझे देखने दो जरा कुछ और है क्या इसमें. इतना ही है. ठीक है ये लिख लो nomenclature, aldoses and ketoses. aldoses मतलब aldo trios, tetros, pentos, hexos. keto trios, tetros, pentos, hexos. एकदम सिंपल.
क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल. हेलो हेलो. यस, इस आवाज में आ रही थी? नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं सिर्फ लिख रही हूँ. अच्छा. आप लोग लिख रहे थे ना, मैं ये क्वेश्चन के लिए ये लिखा, मैंने स्ट्रक्चर्स लिखा. हो गया बच्चों? चलो, अभी ये 1 2 3 स्ट्रक्चर्स दिया है, इसमें से मुझे ये ढूंढ के नाम बताओ. पहले वाले को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? चलो. आर यू पीएसटी ऑफ ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट्स? समझा कैसे बोलना है? कि वो एल्डो ट्रायोज है, कि टेट्रोज है, कि पेंटोज है, कि हेक्सोज है, कीटो ट्रायोज है, कि टेट्रोज है, कि पेंटोज है, कि हेक्सोज है, ऐसे वो आप मुझे ढूंढ के बताओ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. You will get 2 minutes. अभी बहुत ज्यादा है पर दे दिया, चलो. Because I am very good. मिस, वो ऊपर का हेडिंग क्या था? Nomenclature of monosaccharides. चलो जल्दी, आंसर नहीं आया मेरे को अब तक एक भी. ऐसे कैसे नहीं समझा क्या तुम लोगों को क्वेश्चन? नहीं मिस, वो लिख रहे हैं. ओके ओके ओके. ओके कशिश, करेक्ट. करेक्ट है प्रियंका, वेरी गुड. फर्स्ट वाला इज करेक्ट. मैम, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट करना होता है? यस यस यस, सब काउंट करने का, पूरा कंप्लीट. करेक्ट अनुष्का, वेरी गुड. कन्हैया, सबने पहला वाला आंसर एकदम करेक्ट किया, वेरी गुड. दिवेश, सेकंड वाला भी करेक्ट है. कशिश, बराबर है. प्रियंका, करेक्ट. अनुष्का, करेक्ट. करेक्ट है कन्हैया, वेरी गुड. थर्ड वाला क्या है? ये चार है, चार. अरे पूरा काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 4 और 1 5 6 7. क्या आएगा? हाँ बराबर, प्रियंका ने एकदम सही आंसर किया है. इवन श्रुति, कीटो हेप्टोज, बराबर, वेरी गुड. कीटोनिक ग्रुप है ना ये, सीओ. और 1 2 3 4 5 6 हो गया और ये 1 7, कीटो हेप्टोज. समझा? Any questions in the IUPACN classification? Classification भी बहुत कम कर दिया. पहले पता है sugar and non-sugar भी था. Sugar जो पानी में dissolve होता है वो सब भी था, भी सब निकाल दिया. चलो, should I proceed now? Yes, ma'am. Everybody is very very comfortable. Am I going very fast? क्योंकि जो biology वाले नहीं है उनको थोड़ा सा chapter bore हो भी सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है. But it is, अभी ये वाला part तो बहुत easy है, इसमें कुछ है नहीं वैसे. चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे. नाउ वी हैव टू स्टडी इन डिटेल ग्लूकोज. ठीक है, वी हैव टू स्टडी इन डिटेल ग्लूकोज. सबसे पहले इट्स फॉर्मूला.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6. ठीक है, इट इज कंटेन, इट इज एल्डो हेक्सोज. एम आई राइट? एल्डो हेक्सोज है ना, एल्डिहाइड ग्रुप विद 6 कार्बन एटम्स. करेक्ट. इट इज ऑब्टेन्ड बाय सुक्रोज, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुक्रोज एंड स्टार्च. इन दोनों से अपने को ग्लूकोज मिल सकते हैं. ठीक है, और फिर इसको और क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर. ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर. अंगूर के अंदर जो शुगर होता है, मीठापन, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लूकोज. समझा? नाउ दिस ग्लूकोज इज, अभी देखो, अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ध्यान से देखो. It is having one aldehyde group. Am I right? It has one CHO group. All are agreed? ठीक है. उसके बाद कितने OH group हैं यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार. तो four secondary alcohols. Yes or no? Four secondary alcohols. और ये देखो primary alcohol है ये. तो वन प्राइमरी अल्कोहल. अरे यार क्या ये पेजेस उल्टे रहते फालतू. समझा? तो ग्लूकोज इज हैविंग वन एल्डिहाइड ग्रुप, फोर सेकेंडरी अल्कोहल, देखो ना, CHOH सेकेंडरी अल्कोहल है और एक प्राइमरी अल्कोहल है. ऑल आर अग्रीड? अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है. HDA किया है ना आपने चैप्टर. हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी काइरल कार्बन आर हैविंग? How many chiral carbons are having in the glucose? Chiral carbon मतलब ऐसा carbon जो चार अलग अलग functional group को attached हो, that is called as chiral carbon. How many are there? तुम लोगों को question समझा मैंने क्या बोला? ये देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा C, यहाँ पे suppose A लिखा, यहाँ पे B लिखा, यहाँ पे D लिखा, यहाँ पे E लिखा, तो इस carbon को बोलेंगे chiral carbon. मतलब इस carbon की चारों valency को चार अलग अलग ग्रुप अटैच थे. तो यहाँ पर कितने काइरल सेंटर हैं? ये मुझे बताओ. चलो कम ऑन, एचडीए हुआ है ना तुम लोग का. गलत तो गलत, कोई बात नहीं, आई एम हियर टू करेक्ट यू, डोंट वरी. कन्हैया ने बोला कि वन. अच्छा, और व्हाट अबाउट अदर्स? बोलो. प्रगति भी बोलती है कि वन. और आई वॉन्ट आंसर्स, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग. एक भी नहीं. अच्छा, धीरेश बोलता है कि एक भी कार्यल सेंटर नहीं है. ठीक है, सृष्टि इज ऑल्सो सेइंग वन. इसमें एक ही कार्यल सेंटर है, ऐसे आप लोग का मानना है. और धीरेश का मानना है कि एक भी कार्यल सेंटर नहीं है. बट मैं आपको बोलती हूँ कि इसके पास चार कारल सेंटर है और 2n मतलब 2^14 इसके 16 आइसोमर्स पॉसिबल हैं. अब ढूंढो चार कारल सेंटर कहाँ है. देखो मैं बताती हूँ, ये पहला कार्बन, एक ग्रुप हो गया ये, दूसरा ग्रुप हो गया ये, तीसरा ग्रुप हो गया ये, ये पूरा चौथा ग्रुप हुआ कि नहीं? यस और नो? दिस इज फर्स्ट कायरल सेंटर. कायरल सेंटर को एस्ट्रिक मार्क से डिनोट करते हैं, पता है? अब जाएंगे ये कार्बन के पास. दिस इज वन ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, ये ऊपर वाला पूरा तीसरा ग्रुप, नीचे वाला पूरा चौथा ग्रुप, कायरल सेंटर टू, कायरल सेंटर थ्री, वन टू, ये पूरा तीसरा ग्रुप, ये पूरा चौथा ग्रुप, कायरल सेंटर फोर, वन टू, ये पूरा तीसरा ग्रुप, ये पूरा चौथा ग्रुप. आ गया चार? समझा? प्रियंका, प्रगति, दिवेश, कन्हैया, सबको पता रहेगा फॉर्मूला 2^n.
है ना, अगर एक कायरल सेंटर है तो मैं क्या लिखूंगी, 2:1, मतलब कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स. यहाँ पे कितने हैं, 4, तो 2:4 मतलब 16. तो ग्लूकोज शोस 16 डिफरेंट आइसोमर्स, मिरर इमेजेस, एनांशियोमर्स बनाएगा. एक बार वो इधर जाएगा, एक बार वो इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, ऐसे करके पूरे 16 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए नीट में आ चुका है. ग्लूकोज इज हैविंग डैश नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड हेंस इट इज शोइंग डैश नंबर ऑफ आइसोमर्स. समझा कायरल सेंटर कैसे हुआ? ये देखो, ये एक ग्रुप, ये ग्रुप, ये तीसरा, ये नीचे जो चौथा अलग है ना इसका, ये गुड है ना, मजेदार, इंटरेस्टिंग है एकदम. ठीक है, दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दी ग्लूकोज. और ये भी पूछते हैं हम लोग बाद में, स्ट्रक्चर को प्रूव करेंगे. ठीक है, ऐसे हवा में नहीं बोल दिया, स्ट्रक्चर को प्रूव करेंगे कि हाँ इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है. Yes, it is containing 4 alcoholic group. It is containing 1 primary aldehyde group. It is present in a straight chain. ये सब हम लोग आगे प्रूव करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा कि कौन से रिएक्शन से ये प्रूव हो गया कि हाँ बाबा इसमें ये प्रेजेंट है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इज ग्लूकोज. मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6. इट इज कॉल्ड एज एल्डोहेक्सोसिस. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुक्रोज एंड द स्टार्च. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर. ठीक है, इट कंटेन्स 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप, 4 सेकेंडरी अल्कोहल, 1 प्राइमरी अल्कोहल. It has 4 chiral center and 16 isomers are possible. It is present in honey, sugar, मतलब cane sugar specially. ठीक है, blood में भी जो glucose sugar present होता है, that is also your glucose. Clear? Glucose का introduction सबको समझ आ गया. ये structure याद ही कर लो. कैसे याद करने का, देखो एक line draw करने का, 1, 2, 3, 4. ऊपर लिखने का CHO, नीचे लिखने का CH2H, पहले लिखने का. और ये sequence है, ये सीक्वेंस चेंज करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा. याद रखना OH, H, OH, OH, ये याद ही रखो. OH, H, OH, OH, OH के ऑपोजिट में लिखने का H, इसके ऑपोजिट में H, H के ऑपोजिट में OH, OH के ऑपोजिट में H. तो CHO, CH2, OH, H, OH, OH, ये याद ही कर लो. और कीटोन में क्या होता है, सिर्फ ये वाला निकल के सी डबल बॉन्ड ओ आ जाता है, बाकी नीचे का सेम रहता है. ये याद करना है आपको, है पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को है इसका. ठीक है, चलो लिख लो ये. एक मिनट, हाँ ये मेरा पेज मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है. चलो फर्स्ट यू कॉपी डाउन दिस ग्लूकोज. दिख रहा है अच्छे से? आई होप इट इज वेरी क्लियर. पहले ये लिखो, फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना है, फिर वो ड्रॉ करो. एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो मिस. एकदम ऐसे ये सोच के पढ़ो कि हाँ ये ग्लूकार्बोहाइड्रेट में खाता हूँ तो मुझे पता है इसका क्या है स्ट्रक्चर. दाल हम जो खाते हैं, शक्कर जो हम खाते हैं, तो इट इज कंटेनिंग व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो यही केमिस्ट्री है. उसको ऐसे डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे, यू विल इंजॉय. जैसे आपने एल्डिहाइड पढ़ा कि हाँ भाई हम लोग फ्लेवर्स जो खाते हैं वो सब एल्डिहाइड है, जो हम लोग परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं दैट इज अ कीटोन. ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना डे टू डे लाइफ में, तो आपको लगेगा अरे हाँ मैंने ये सीखा, मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी और को दे सकता हूँ. केमिस्ट्री ऐसे पढ़ने का कि जो कॉमन मैन को भी समझ में आए, एंड यू कैन एक्सप्लेन इट टू द कॉमन मैन ऑल्सो. जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आप आपके इनको बता सकते हो, अरे इसमें जो बुड़बुड़े है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज हेनरीज लॉ. जब भी बर्फ आप बनाने के लिए रखते हो तब आप बताओ कि इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दैट. तो यू कैन रिलेट द केमिस्ट्री टू एवरीडे लाइफ. देखो पुराने जमाने में लोगों के पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, तो दे वर वर्किंग इन किचन, किचन ही उनका लैब होता था. जैसे देखो केमिस्ट्री लैब में सारे जो अपैरेटस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, सब किचन से रिलेटेड है, खाली नाम अलग है उनके. तो रिलेट करके पढ़ो, यू विल एंजॉय. अरे बहुत निकाल दिया, लिपिड्स विपिड्स सब बहुत अच्छा था, मालूम है बहुत अच्छा था. जब भी जिम करने जाते हैं तो वो हम लोगों को ये देते हैं ना, नकली प्रोटीन्स देते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स, लिपिड्स देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं, दोज आर लिपिड्स. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. डन एवरीबॉडी? इसे फिफ्थ पॉइंट पे आपने ये स्टार्टिंग में 1 लिखा है ना? हाँ हाँ, 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप, 4 secondary alcohol, 1 primary alcohol. It has 4 chiral center. और ये formula याद रखना, 2:n. तो n मतलब number of chiral center. तो 4 है ना, तो 16 isomers are possible.
मैम व्हाट इज द सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट दे आर आल्सो कॉल्ड एज एल्डोहेक्सोस है कि नहीं बोलो देखो एल्डिहाइड्रिक ग्रुप है एक दो तीन चार पांच छह छह कार्बन है तो इट इज एल्डोहेक्सोस एक मिनट आई थिंक सभी का हो गया लिख के ओके चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं अभी आप लोग ना पहले ग्लूकोज का सब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो तो आपको फिर आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या है क्या ग्लूकोज ग्लूकोज किस किस तरह से लिखा जा सकता है ऊपर वाला मत देखो दूसरे क्लास में पढ़ा रही थी मैं वो कोऑर्डिनेशन ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर ठीक है पहला तो एक स्ट्रक्चर लाइन ड्रॉ करने का एक दो तीन चार हो जाएगा CH2OH CH OH सॉरी CHO I'm so sorry CHO OH H OH OH H H OH H या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं CHO C एक दो तीन चार पांच छ सेम ही है खाली बता रही हूँ मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए OH H OH OH H H OH H या फिर और लिखो और हाँ और या फिर कैसे लिख सकते हैं CHO CHOH फोर टाइम्स CH2OH सेम ही है कि नहीं बोलो सब देखो CHOH एक बार दो बार तीन बार चार बार तो चारों को मैं एक साथ लिख सकती हूँ All these are open chain structure of glucose. याद ही कर लेना इसको इसके बाद हम पढ़ेंगे preparation of glucose. कैसा लगा चैप्टर इज इट इजी यस मैम जो नॉन बायोलॉजी वाले हैं वो लोग बताओ बायोलॉजी वालों को तो थोड़ा इजी लगेगा नॉन बायो वाले कौन कौन है अच्छा है मिस अच्छा है ना ठीक है ऐसे दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं अच्छा है मिस ठीक है कन्हैया गुड सुदेश क्या लिखा है मेन मिस नहीं समझा मुझे मिस वो आपने पूछा ना नॉन बायो वाला मैं भी तो वो बोल आपने पूछा था ना कौन कौन अच्छा अच्छा ओके ओके समझा क्या सुदेश अच्छे से चैप्टर इजी है ना हाँ सर हाँ मिस हाँ ओके चलो ये हो गया बच्चों सबका सेम ही है मैं जनरली ऐसा वाला ड्रॉ करती हूँ या फिर ऐसा ड्रॉ करती हूँ हाँ लिख लो
ओके देन चलो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज. बहुत इरिटेट कर रहा है ये पेपर, बहुत उड़ रहा है फालतू का. नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज. सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, दो ही मेथड है, एक तो सुक्रोज से मिलेगा और एक स्टार्च से मिलेगा. सो फर्स्ट विल स्टार्ट इट फ्रॉम सुक्रोज. ठीक है, व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक सुक्रोज C12H22O11. This is my sucrose, which on hydrolysis in the presence of diluted HCl or sulfuric acid, diluted HCl or diluted H2SO4. So, क्या मैं इसको बोलूँ? It is acid catalyzed reaction. Gives you equimolar mixture of C6H12O6 plus C6H12O6. One is glucose. Another one is fructose. अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे 2C6H12O6 क्यों नहीं लिखा? अब इसका आंसर मुझे आपको आना चाहिए. टू टाइम्स करके क्यों नहीं लिखा मैंने? अलग अलग क्यों लिखा इन दोनों को? फंक्शनल ग्रुप अलग है ना. वेरी गुड, बिकॉज देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, सो दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. करेक्ट. अब होता क्या है, इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? ग्लूकोज एंड fructose can be separated by using ethanol. ठीक है, जो आपका fructose है, number two, fructose is soluble in ethanol. चलो fructose soluble हो गया ethanol में, अभी क्या करूं? On filtration. ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी सेपरेटेड. नीचे क्या आएगा? कॉनिकल फ्लास्क में फ्रक्टोज आ जाएगा ना, और ऊपर फिल्टर पेपर पे क्या रह जाएगा? ग्लूकोज. हो गया सेपरेशन, इजी था मेथड. चलो मैंने क्या बोला? सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड. इसको 2 घंटा रखना है, 2 घंटा हीट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर अबाउट 2 आवर्स कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. Glucose and fructose can be separated by adding ethanol. और इसमें क्या होगा? Glucose dissolve नहीं होगा, fructose dissolve हो जाएगा. Just do the filtration, you can separate the crystals. Clear first method? चलो अभी second method भी बता देती हूँ, फिर साथ में लिखो. इसको बोलते हैं laboratory method, क्योंकि हम लोग laboratory में थोड़ा सा check करने के लिए कर सकते हैं. Now next which I am going to teach is you from starch. इसको बोला जाता है कमर्शियल मेथड. जो आपका चावल का पानी होता है ना, वो क्या होता है? इट इज कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च, वो स्टार्च है. तो अभी होगा क्या इसमें? स्टार्च का फॉर्मूला देखो, C6H10O5, n नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल ले लिया, दैट इज योर स्टार्च, बिकॉज स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड. Now you add n number of water molecules. So H2, 2H इधर होएगा और एक H इधर ऐड होएगा. समझ रहे क्या? C6H12O6 है ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है इधर से आया, 1 ऑक्सीजन कम है इधर से आया. ठीक है, यू हैव टू ट्रीट इट विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो मैं यहाँ पे H+ लिख दूं, और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 393 केल्विन एंड प्रेशर इज 2 to 3 एटमोस्फियर. You will get your n number of molecules of C6H12O6. This is your glucose. There is no byproduct. Purely you will get your glucose. Samjha dono method samajh aa gaya? From starch. Abhi bahut se logon ko kya misunderstanding hoti hai? C6H12O6 n number of times is your starch. No. Wo glucose ka formula hai. Starch mein 2 hydrogen aur 1 oxygen kam rehta hai n number of times. It is a polysaccharide. और इट इज हेक्सो ओनली, है ना? आया समझ में? दिस आर ओनली 2 मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज. देखो अब तक हम लोगों ने कितने पढ़े थे, 10-10, 15-15 मेथड्स पढ़े थे, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन. अभी कितना अच्छा है, सिर्फ 2 ही मेथड है, एक सुक्रोज से, एक स्टार्च से. क्लियर?
चलो लिखो फटाफट, कॉपी करो, पहले ऊपर वाला कॉपी करो. प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज लेबोरेटरी मेथड, सुक्रोज प्लस हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ये. चलो कुछ पूछना होगा तो फील फ्री टू आस्क. एनी क्वेश्चंस? हाँ ठीक है, लिख लो. मिस वो लार्ज स्केल पे करना होगा तो वो स्टार्च से करते हैं ना. हाँ, यस यस, लार्ज स्केल पे करना, क्योंकि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट ही नहीं है ना, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का झंझट ही नहीं है. यस मिस. First and third point. Glucose and fructose can be separated by using ethanol. And on filtration, you can separate these two, glucose and fructose. Because it dissolve ho jayega na. Fructose is soluble in ethanol. So on filtration, you can separate glucose and fructose. So maine pura statement nahi likha, sirf samajhne ke liye diya hai. Aapko chahiye to aap textbook mein se likh sakte ho. Page number batao kya? Page number is 300. नहीं सॉरी 299. ये सिर्फ समझने के लिए दिया कि ऑन फिल्ट्रेशन वी कैन सेपरेट दीज टू प्रोडक्ट्स. एनी अदर क्वेश्चंस बच्चों? अरे कार्बोहाइड्रेट का हम लोगों ने डेफिनेशन ही नहीं लिखा अभी. कहीं पे स्टार्टिंग में कहीं जगह होगा तो लिखो जरा कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन. मैम वो लास्ट पर एक क्या करूं? लास्ट वाला बताऊं क्या लिख रहे हो? क्या समझा नहीं मुझे? नहीं मैम वो एंडिंग का थोड़ा दिख रहा है. अच्छा अच्छा ओके ओके ओके.
डन फिनिश्ड एवरीवन ओके चलो अभी है ना पहले कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन लिखो पूरा पढ़ डाले हम लोगों ने और डेफिनेशन ही लिखा लिखो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या था ना लिखना वो बता रही कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स और कंपाउंड्स which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehydes or ketones ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन था यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हम इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर प्रूफ करेंगे कि ये स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है चार अल्कोहलिक ग्रुप है ठीक है एक प्राइमरी अल्कोहल है इट इज अ स्ट्रेट चेन सो दैट वी आर गोइंग टू प्रूफ चलो ठीक है करते हैं हम लोग अभी वो क्या करूँ चलो यही पेज ले लेती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर सबके नजर में है एकदम सामने रखो ध्यान रखो ठीक है पहला वाला ठीक है रिएक्शन विद हॉट HI अगर मैं ग्लूकोज लेती हूँ CHO CHOH 4 times CH2OH दिस इज माय ग्लूकोज And if I'm going to heat it with HI and just heat, तो मुझे क्या कंपाउंड मिलेगा CH3, CH2, 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 CH2 एक दो तीन चार पाँच CH3 That is called as N-hexane. So this reaction indicates that glucose is having a straight chain structure. This reaction indicates that the glucose is having six carbon atoms in a straight chain. समझा ठीक है मुझे कौन सा स्ट्रक्चर मिला एन हेक्सेन मिला तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि ग्लूकोज इज हैविंग सिक्स कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन पहला रिएक्शन क्लियर अब एग्जाम में कैसे पूछते देखो विच रिएक्शन इंडिकेट दैट द ग्लूकोज इज हैविंग सिक्स कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन सो इट इज रिएक्शन विद हॉट HI ठीक है मुझे कौन सा स्ट्रक्चर दे रहा है एन हेक्सेन पहला समझ आ गया पहला प्रूव हो गया कि हमारे पास छह कार्बन एटम्स है और जो स्ट्रेट चेन में मौजूद है लिख लो ये दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट द ग्लूकोज इज हैविंग सिक्स कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन हो जाएगा तो बोलो पहला समझा कि नहीं समझा बच्चों हेलो हाँ हाँ ठीक है
डन ओके चलो yes. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन. अभी पहला प्रूफ हो गया कि हमारे पास 6 कार्बन है. अब हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप भी है. कार्बोनिल ग्रुप मतलब CHO. तो पहले मैं ये बताऊंगी कि कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन्स भी हो सकता है. तो फर्स्ट रिएक्शन से आई एम गोइंग टू प्रूव दैट इट इज कार्बोनिल ग्रुप. उसके बाद मैं प्रूफ करूंगी कि वो कार्बोनिल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है. क्योंकि आपको याद होगा कुछ रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता है. याद आ गया कौन सा था रिएक्शन? फेलिंग सोल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट और एक कौन सा था? हाँ बराबर करेक्ट. और एक कौन सा था? फेलिंग सोल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट, शिफ्ट्स बेस. वेरी गुड करेक्ट करेक्ट है ना. तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर टू. रिएक्शन नंबर टू इज ऑक्साइन के साथ एक है और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ है. ठीक है रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन. ठीक है हाइड्रोक्सिल अमाइन. हाइड्रोक्सिल अमाइन मतलब NH2OH. याद आ गया हम लोगों ने किया था. तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? CHO CHOH 4 टाइम्स. देन ये क्या हो जाएगा? CH2OH. ऑक्साइम ले लो NH2OH. याद आ गया यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर. डबल बॉन्ड के साथ आएगा ना ये. ठीक है तो आई विल गेट ओवर हियर CH डबल बॉन्ड NOH. तो सेम रहेगा CHOH 4 टाइम्स एंड देन CH2OH. दिस इज योर ग्लूकोज और इसका नाम है ग्लूकोक्साइन. ठीक है ये पहला रिएक्शन है जो एल्डिहाइडिक ग्रुप देता है. ठीक है ये क्या कन्वर्ट कर देगा? इसको ऑक्साइन में कन्वर्ट कर देगा. रिएक्शन नंबर थ्री. ठीक है नेक्स्ट इज रिएक्शन नंबर थ्री, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड. याद है साइनोहाइड्रिन बनाया था हम लोगों ने, इसलिए मैंने आपको ना वो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पहले पढ़ाया. तो सी एच ओ सी एच ओ एच 4 टाइम्स सी एच टू ओ एच ट्रीटेड विथ एच सी एन इट विल फॉर्म ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन. तो मेरा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा अभी? सी एच ठीक है एक जगह पर जाएगा ओ एच, एक जगह पर जाएगा साइनाइड और यहाँ पे सेम रहने वाला है सी एच ओ एच 4 टाइम्स ये हो गया सी एच टू ओ एच. दिस इज योर ग्लूकोज और ये को है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन. याद आया साइनोहाइड्रिन बनाया था हमने. तो दीज टू रिएक्शन इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज इज कंटेनिंग वन कार्बोनिल ग्रुप. रिएक्शन नंबर टू एंड थ्री इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वन कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज. है कि नहीं उसमें कार्बोनिल ग्रुप है ना? इसके लिए दोनों रिएक्शन पॉजिटिव आ गया. लिखो ये पहले. अभी दो चीजें प्रूव हो गई मैम. ये दोनों रिएक्शन सिर्फ ये प्रूव करता है कि कार्बोनिल ग्रुप है. हाँ यस क्योंकि ये जो दोनों भी रिएक्शन है ना हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करता है. तो ये नहीं बता रहा है ना कि क्या एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड है वो नहीं वो बाद में. अभी हम लोग जब उसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ना तब वो बताएगा कि ये एल्डिहाइड है. समझा? ओके मैम. वो सेकंड रिएक्शन किसको है? हाँ हाँ सॉरी सॉरी पहले सेकेंड वाला लिखो फिर मैं नीचे करती हूँ. ये सब एग्जाम में आते हैं, चार चार मार्क्स के लिए आते हैं. देखो नीट JEE में कितना सिंपल है.
क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना हाइड्रोक्सिल के साथ और इसके साथ ये सिर्फ वो देता है, नॉट एल्डिहाइड, कीटोन्स भी दे सकता है. तो हम लोग जब ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे दैट टाइम वी विल शो कि इट इज योर एल्डिहाइड कंफर्म्ड. उसके बाद प्रूफ करेंगे कि उसके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहल है, ऐसे उसको प्रूफ करने का अपने को. बोर होगा तो बोलो. हाँ मैं 2 मिनट रुक जाऊंगी क्योंकि एकदम ऐसे सैचुरेशन नहीं हो जाए. इट्स फाइन, आप मुझे बोल सकते हो कि मिस थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ तो वी कैन वेट फॉर 2 मिनट्स, ऐसा कुछ नहीं है. हो गया बच्चों? ओके कशिश, गुड. डन. ओके चलो नेक्स्ट रिएक्शन करें. देखो मैं ग्लूकोज अभी ऐसे लिख रही हूँ, आपको चाहिए तो आप वैसे लाइन वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो. नाउ द रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन. Number 4, reaction with bromine water, Br2 water. Okay, this is also called as oxidation. Ab dekho, CHOH 4 times CH2OH treated with bromine water and do the oxidation. So kya hoga pata hai, ye jo aldehydic group hai na, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. CHOH 4 टाइम्स CH2OH. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड. नाउ दिस रिएक्शन इंडिकेट्स
this reaction confirms the presence of aldehydic group. ठीक है, aldehydic group, that is CHO in glucose. समझा? पहले वाला क्या इंडिकेट किया? रिएक्शन नंबर 2 and 3 के इट इज कार्बोनिल, बट रिएक्शन नंबर 4 क्या इंडिकेट करता है कि दैट कार्बोनिल ग्रुप इज नथिंग बट एल्डिहाइडिक ग्रुप. समझा? अभी आप लोग के सामने है ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो आपको आइडिया आ जाएगा. हो गया? डन बच्चों? हेलो हेलो हेलो. यस मैम. हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट रिएक्शन. अब हम क्या बताएंगे कि उसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है. देखो ऐसा था ना स्ट्रक्चर, CHOH और नीचे CH2OH है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और बीच में 4 सेकेंडरी अल्कोहल है. ठीक है, तो हम लोग ये प्रूव करेंगे अभी कि इट कंटेन्स. तो हम अभी करेंगे रिएक्शन विद, मैं थोड़ा आगे पीछे सिखा रही हूँ, फिर बोलेंगे कि मिसने ये नहीं पढ़ा. ऐसा नहीं है, सिखाऊंगी मैं रिएक्शन विद HNO3. That is diluted HNO3. अब होगा क्या देखो, हाँ CHO, CHOH 4 times, CH2OH. This is the glucose. Just do the reaction with HNO3. ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों भी ना एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. COOH, CHOH 4 times और ये भी हो गया COOH. तो इसको बोला जाता है सैक्रिक एसिड. ठीक है, सैक्रिक एसिड. या फिर एरो देखो, एरो का मुंह देखना कहाँ पे बना है. अगर मैंने यहाँ पे लिया होता ग्लूकोनिक एसिड CHOH4CH2OH, तो देखो प्राइमरी वाला अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में ना. तो आप ग्लूकोनिक एसिड से भी सैक्रिक एसिड बना सकते हो या ग्लूकोज से भी बना सकते हो. तो दिस रिएक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक, दैट इज डैश CH2OH ग्रुप इन ग्लूकोज. समझा बच्चों? अभी एक ही बचा है रिएक्शन विथ, किधर गया रिएक्शन विथ, किधर गया किधर गया किधर गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, वो बाद में बताती. ये समझा? ये देखो CH2OH किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में. यहाँ पे भी CH2OH किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में. ये तो होना ही था. ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इनटू द ग्लूकोज. अंडरस्टूड? यस. हाँ ठीक है, लिखो चलो.
मेरे को लगता है इतना बस हो गया आज के लिए, है ना? वो एक जो सिक्स्थ रिएक्शन है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे. एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ाने के फौरन बाद ये चैप्टर लिया तो थोड़ा इजी जाएगा, क्योंकि ये पूरा एल्डिहाइड और कीटोन्स ही है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और कार्बोहाइड्रेट्स एंड एवरीथिंग, तो वी विल फाइंड इट इजीयर. फिर से बताओ ना ये रिएक्शन फिफ्थ वाला. हाँ देखो ये क्या है, ग्लूकोज है, यू आर डूइंग द ट्रीटमेंट विद नाइट्रिक एसिड. तो व्हाट नाइट्रिक एसिड विल डू, एल्डिहाइड तो डेफिनेटली ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एसिड, बट ये अल्कोहल भी क्या दे देता है, एसिड दे देता है. तो अभी कुछ लोगों को ये क्वेश्चन था कि नहीं यहाँ पे तो जरूरी नहीं है ना कि एसिड ही हो, दोनों जगह नहीं आ सकता. तो हमने क्या किया, ग्लूकोनिक एसिड लिया क्योंकि ऑलरेडी एसिड था, और इस रिएक्शन से क्या प्रूफ हो गया कि येस योर अल्कोहल इज ओनली गेटिंग कन्वर्टिंग इन टू द एसिड. तो दीज टू रिएक्शन, मतलब ये दिस रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, दैट इज सी एच टू ओ एच ग्रुप इन टू द एल्डिहाइड, सॉरी इन टू द ग्लूकोज. समझा दिवेश? Yes, ma'am. आगे बताऊं कि रहन दो, बस हो गया इतना, एक रिएक्शन है बचा हुआ. Then, एक है रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड, बट वो बड़ा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ ना, अभी गाय गए मैंने बताती, बता दू सी एच ओ सी एच ओ एच फोर, सिर्फ लिख के बताती हूँ ठीक है, तुम लोग लिखो मत. सी एच टू ओ एच, वी आर गोइंग टू ट्रीटेड विद फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एच थ्री सी ओ ट्वाइस ओ. अच्छा छोड़ो, जाने दो, नेक्स्ट इसमें बताती हूँ, तुम लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें. समझा अभी अपने का क्या, अपना क्या प्रूफ करना बाकी है, कि अपने पास और भी पांच अल्कोहलिक ग्रुप है जो एक लाइन में प्रेजेंट है. पहला क्या प्रूफ किया, वी आर हैविंग अ स्ट्रेट चेन, सिक्स कार्बन एटम. देन व्हाट वी हैव प्रूफ विद द टू रिएक्शंस, दैट इट इज हैविंग कार्बोनिल ग्रुप. उसके बाद क्या प्रूफ किया, दैट कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड. उसके बाद क्या प्रूफ किया, इट इज हैविंग वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है चलो, अभी चैट बॉक्स में आ जाओ सब लोग. Glucose is also called as which sugar? Glucose is also called as which sugar? Very good, Kashish. Very good, Divesh. Very good, Shruti. Kanaiya, aldohexoses to bolte hai, but maine sugar pucha, which sugar? Grape sugar. Okay, how many isomers are possible for glucose? Optical isomers. How many optical isomers are possible for glucose? Samjha na abhi kaise aaya? 16, 2 raised to n. Very good. Next question. Glucose and fructose on treatment, glucose and fructose which are prepared by sucrose can be separated by using which solvent? Glucose and fructose on after preparation with sucrose. Yes, very good. Ethanol. Fast answer लिखते हो ना तुम लोग, बहुत ही स्मार्ट हो गए. Very good. सबका सही है. Very good. Next question. Name the reaction which indicates the presence of one primary alcoholic group into the glucose. Name the reaction which indicates the presence of one primary alcoholic group into the glucose. Very good. Reaction with diluted HNO3. Absolutely correct. Okay. Name the reaction which confirms the presence of aldehydic group, that carbonyl group is aldehyde, in glucose. Name the reaction which confirms the presence of, yes, very good. Shabash. Very good. Kedar, CHO nahi.
मैं टेस्ट का नाम पूछ रही हूँ सिद्धेश, इट इज ब्रोमीन वाटर का टेस्ट ना. यस करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टू रिएक्शन व्हिच कंफर्म व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. अब वो एल्डिहाइड है कि कीटोन से वो नहीं पता, लेकिन फिर भी वो बताता है कि इट इज अ कार्बोनिल ग्रुप. व्हिच रिएक्शन इट इज. यस ब्रोमीन वाटर इज करेक्ट सिद्धेश, वेरी गुड. हाँ एक तो है HCN बराबर, साक्षी ने सही आंसर दिया. दूसरा क्या था? वेरी गुड करेक्ट कशिश, कन्हैया, दिवेश, वेरी गुड वेरी गुड. नेम द रिएक्शन विच शोज दैट ग्लूकोज इज हैविंग 6 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन. ग्लूकोज इज हैविंग 6 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन. यस वेरी गुड. सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. करेक्ट. अच्छा मुझे ये बताओ कि रेफिनोज इज व्हाट टाइप ऑफ सैकराइड? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड. रेफिनोज, रेफिनोज कौन सा सैकराइड है? वेरी गुड. माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, माल्टोज on hydrolysis gives, very good, shabash. सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्या बात है. वेरी गुड, मतलब मैंने जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया. वेरी गुड. चलो ठीक है, अभी हम लोग कल मिलेंगे इस लेक्चर के लिए. और शाम को 7 बजे लेक्चर रखती हूँ, अभी मैं बीरेन सर को कॉल कर देती हूँ. ठीक है, तो 7 to 8 टूडे योर रिविजन लेक्चर फॉर आयोनिक इक्विलिब्रिया. पढ़ क्या हुआ जरा? ठीक है, अभी मैं सर को बोल देती हूँ. चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, वेलकम. बाय मिस. बाय कशिश. बाय बाय.